हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज आप लोग के लिए लेके आए हम क्रॉप में वीडियो लेके आए हैं विद साड़ी पल्लू। तो गाइज, वीडियो काफ़ी मज़ेदार है और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फुल वॉच कीजिएगा। उफ, इतनी गर्मी हो रही है, चलो थोड़ा पौधे को पानी दे देती हूँ, बेचारे इतने गर्मी में। चलो नए नए पौधे हो गए, उन्हें भी ठंडा लगेगा। और तो पानी दी, इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं कैसे क्लाइमेट चेंज हो गया है, बहुत गर्मी लग रही है। पानी दे देते हैं, इतनी गर्मी, धूप हो रही है, कैसे कैसे पौधे पक्षियाँ रहते होंगे। चलो अच्छे से पानी दे देते हैं, भर भर के पानी दे ताकि उन्हें ठंडा लगे और फिर उन्हें कोई तकलीफ़ भी ना हो इतनी गर्मी में। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है बाहर। बाप रे, इतनी गर्मी, पता नहीं ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत गर्मी हो रही है। बाप रे बाप, मेरे तो पैर ही जलने लग गए, बहुत गर्मी हो रही है। और पक्षियाँ कैसे रहते होंगे, हम तो आराम से अंदर, इतनी गर्मी में पक्षियाँ कैसे रहते होंगे समझ नहीं आता। हम लोग तो आराम से अंदर रहते हैं लेकिन यहाँ पे पक्षियाँ तो बहुत गर्मी में जलते हैं, समझ नहीं आता। मेरे पैर भी बहुत जल रहे हैं, कैसे वो लोग रहते होंगे। सब पॉल्यूशन के कारण है, इतना ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि सबको बहुत तकलीफ़ हो रही है। चलो थोड़ा आगे जाके देखते हैं, बहुत पैर जल रहा है मेरा। कैसे लोग पक्षी वहाँ रहते होंगे, जानवर रहते होंगे इतनी गर्मी में, उनके पास तो कोई शेल्टर होता नहीं होगा। हाँ, माना कि वो लोग पेड़ में रहते होंगे लेकिन वहाँ पे भी उनको गर्मी लगती होगी। उफ, मेरे पैर इतने जल रहे कि मैं क्या ही करूं। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी मैं क्या ही करूं, इतनी गर्मी हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा। सब पॉल्यूशन के कारण, इतनी धूप हो रही है कि समझ ही नहीं आता। बारिश नाम की चीज़ भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ धूप धूप धूप, दिन भर धूप। और रात में भी जो गर्मी लगे, लगता है कि कभी बारिश ही नहीं होती है। चलो थोड़ा पक्षियों को भी पानी दे देते हैं, उनको भी तो गर्मी लगता होगा, उन्हीं का फ़ायदा होगा। उनको पानी दे के उनका प्यास बुझाते हैं, कुछ तो अच्छा काम कर ले, उनको पानी दे के उनका प्यास बुझा लेते हैं ताकि उनको गर्मी भी ना लगे, उनको ठंडापन लगे। पौधे को तो पानी दे दिया, अब चलो पक्षी को भी पानी दे के चलते हैं। चलो नीचे चलते हैं। कितनी गर्मी हो रही है, कितनी धूप निकले हुए हैं। उफ, बहुत गर्मी हो रही है आजकल का, तो आजकल का मौसम तो बहुत गर्म कर दिया है। अरे यहाँ पे देखो, अरे ये पानी कौन रखा है आदमी को पीने के? अरे यहाँ पानी कौन रख दिया है पीने के लिए, ये पानी की इतनी दिक्कत है। और यहाँ पे पानी पक्षी को दे दिया, इंसान को पीने के लिए पानी मिल नहीं रहा है और पक्षी को दे दिया पानी पीने के लिए। चलो मैं इसे अपने पैरों पर गिरा लेती हूँ, बहुत आराम मिलेगा मुझे। वह छत भी कितनी गर्म है, वाह कितना ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे पैरों में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पानी गिरा के अपने पैरों में, वाह सुकून मिल रहा है। चलो इसे मैं यहीं पे रख देती हूँ और अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा मुझे। और मौसम भी तो ठीक है, गर्मी किया हुआ है, गर्म तो है ही, ठीक है, चलो इसमें गुजारा हो जाएगा। क्या मौसम है, छत पे आके तो मज़ा ही आ गया, गर्मी तो बहुत ज़्यादा की हुई है। चलो थोड़ा चलो देखते हैं छत पे पक्षी पानी पिए कि नहीं। चलो चलते हैं। ला 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 ला, अरे ये पानी किसने गिरा दिया? अरे यहाँ पे मग क्या कर रहा है, और इसमें पानी किसने गिरा दिया? हे भगवान, यार पक्षी के लिए पानी रखा और कौन यहाँ पानी पानी गिरा के चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो कुछ नहीं कर सकते, अब फिर से पानी दे देते हैं पक्षियों को। कौन गिरा के चला गया समझ ही नहीं आ रहा मुझे। चलो फिर से पानी दे देते हैं, एटलीस्ट पक्षी पानी पी लेते हैं। कौन यह पानी गिरा के चला गया, मैंने पक्षियों के लिए पानी रखा था और यहाँ कोई गिरा के चला गया। यहाँ पक्षियों के लिए पानी मैंने रखा क्योंकि इतनी धूप हो रही है, वो लोग कैसे रहते होंगे। अब चलो चलते हैं वापस। ओहो, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, ओह वाह। अरे पौधों में पानी डाला हुआ है, मिट्टी में पानी डाला हुआ है, अरे वाह मिट्टी में किसने पानी डाल दिया। अरे वाह कितने सुंदर फूल निकले हुए हैं यहाँ पे, मैं इसे अपने बालों पे लगा लेती हूँ, बहुत ही सुंदर लगेंगे। मेरे ड्रेस से भी मैचिंग कर रहे हैं ये फूल के कलर, वाह कितना अच्छा लग रहा है, वाह ये फूल बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है फूल। अरे या फिर से पानी किसने रख दिया,
अभी मैंने पानी जस्ट फेंक की गई थी, यहाँ पे फिर पानी किसने रख दिया। ओफो, ये लोग भी ना कैसी कैसी हरकत करते रहते हैं, सिर्फ मुझे परेशान करते रहते हैं। पानी का बर्बादी हो रहा है, कितने इसने यहाँ पानी रखा ही क्यों। जब देख रहे हैं तब पानी में फेंक ही देती हूँ तो मेरे पैर में भी थोड़े आराम मिल जाएंगे और राहत मिलेगा मेरे पैरों को। चलो सारा पानी फेंक देती हूँ, मज़ा आएगा मुझे तो। चलो पानी फेंक देती हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैंने पक्षियों के लिए पानी रखा था और आप मुझे मग दीजिए। मैं पक्षियों के लिए पानी रख रही थी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पानी बर्बाद करने के लिए आपने क्यों रखा है? यहाँ पे इतना तो पानी पीने के लिए नहीं आ रहा, बर्बाद कर रहे हैं पानी। मैंने पक्षियों के लिए पानी रखा है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका तो ना कुछ वेस्ट जा रहा है। पानी तो मग तो मेरा ही है ना, मैंने पक्षियों के लिए रखा, आपको क्या प्रॉब्लम है? पानी तो मेरा है ना, पानी में बिजली बिल मेरा उठता है, आप बर्बाद कर रहे हैं पानी। आप भरादार है तो भरादार की तरह रहिए ना, आप पानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा, ये मेरा घर है, आप यहाँ पे किराए में रहते हैं तो किराएदार की तरह रहिए, ये हमारा घर है। पक्षियाँ पानी तो बहुत जगह से पी लेंगी पर इंसान को पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आप पानी की बर्बादी करते हैं। अरे ये आपका घर है ठीक है, आपका पानी है, लेकिन पक्षियों को तो पानी चाहिए। हम नहीं, मेरा पानी, तो पानी है, है। मेरा मेरा है, आपका मेरा पानी घर है तो ठीक है, लेकिन पक्षियों को तो पानी चाहिए होता नहीं, है ना। मेरा घर है, मेरा घर है, आप पानी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है आपका घर है, लेकिन पक्षियों को तो पानी का जरूरत पड़ता है ना, आप तो पानी यूज करते ही रहते हैं। पानी बहुत जल्द से पी लेगी, दीजिए ये मग मुझे, मैं इसी तरह ऐसे पानी बर्बाद मत कीजिए, पानी वेस्ट होता है, पक्षियों के लिए पानी। नहीं ये मेरा ही पानी है, मैं कुछ भी करूँ इसे, आप कौन होती है बोलने वाली। ठीक है करते रहिए, पानी का मग दीजिए। मेरा नहीं, मेरा मग है, मेरा मग, मेरा मग, मैंने खरीदा है। नहीं मेरा मग है, मेरा मग है। नहीं छोड़ो, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा मग है, मेरा है, मेरा मग है, मेरा है, छोड़ो, मेरा मग है, छोड़ो, है, छोड़ो, छोड़ो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, मेरा मेरा मग है, नहीं मेरा है, मेरा मग है, मेरा है, छोड़ो, छोड़ो, तुम मेरे रास्ते जाओ, मेरा मग है, मेरा मग है, मेरा मग है, छोड़ो मुझे जाने दो, मग मेरा है, छोड़ो। नहीं मेरा मग है, छोड़ो, मैंने इसे खरीद के लाया था, लेकिन मैंने क्या बोलते हैं, मैंने मेरा पानी है तो मैं खरीदूँ, मैं पानी तुम्हारा है, मग मेरा है, मग मेरा है, मेरा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा मग को, छोड़ो। अच्छा ठीक है, जाओ करते रहो जो करना है, आप पानी की बर्बादी कर रहे हो और ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो। मग रख लो, सब कुछ रख लो, पक्षियों को पानी भी नहीं दे। चलो जाओ तुम यहाँ से, मग मेरा है, पानी भी मेरा है और घर भी मेरा है, जाओ यहाँ से। ठीक है, आई बड़ा मुझे एटीट्यूड दिखाने वाली, पक्षियों को पानी देती, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा आज अच्छे तरह से, इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं सुधरेगी, ये मेरा घर का सारा पानी बर्बाद कर देगी और मुझे लगता है रोड पे ही ला देगी। इसका तो ठिकाना लगाना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय करना पड़ेगा, ऐसे ये सुधरने वाली नहीं है, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। चलो इसे आज क्लोरोफॉर्म सुखाया जाए और अच्छा मज़ा सिखाया जाए। अरे सारा पानी बर्बाद करके किच 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 करते रहती है हमेशा, चलो पानी दे देते हैं, फाइनली चली गई। कितने अच्छे पौधे, पानी डालेंगे तो पौधे और उगेंगे, उन्हें ठंडापन लगेगा। ये देखो आके किच 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 करते रहती हूँ, उनको उनके लिए तो बस अपने लिए पानी है, पौधे पक्षियों को पानी देने का होता नहीं है, अपने लिए बस पानी चाहिए, हर समय आके किच 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 करते रहेगी, मग मेरा है, घर मेरा, ये है वो है। अब देखो मैं सारे पौधों को पानी देकर जाऊँगा, पक्षियों को भी देकर जाऊँगी। अरे चलो वहाँ बैठी हुई है, इसी तो आज अच्छा सबक सिखाएंगे हम, बहुत बहुत पानी बर्बाद कर रही है ना, इसको तो आज अच्छे से सबक सिखाने वाले हैं हम। पहले देख लेती हूँ वो कर क्या रही है, वहाँ से अच्छे से देख लेती हूँ। बहुत शांति से बैठी हुई है, कोई है भी नहीं अगल बगल। चलो आज इसे अच्छे से सबक सिखाते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा। चलो चलो उसके पास चलते हैं धीरे धीरे, वरना वो आवाज़ सुन जाएगी और चौकन्नी हो जाएगी। आज तो इसका तो मैंने तो एकदम मेरे तो को बहुत ही गुस्सा आ रहा थी, तो क्या करूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, इसका तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। इसका साड़ी का पल्लू के साथ ही आज मैं इसका काम तमाम करूँगी। ये है इसकी साड़ी की पल्लू, उसमें मैंने डाल दिया थोड़े से क्लोरोफॉर्म और मैं करूँ, ओह माय गॉड। तो पहले देख लेती हूँ अगल बगल कोई है तो नहीं ना, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। चलो चलो कोई नहीं है, चलो अब इसका काम तमाम करते हैं। अरे अरे किसने मुझे पकड़ लिया, आ आ मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, किसने ये पकड़ लिया मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
किसने पकड़ लिया मुझे समझ नहीं आ रहा। आ मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। आ अरे नहीं, आ आ मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आ कौन है ये? अब आया ना मज़ा, बहुत फड़फड़ा रही थी। अब इसे यहीं पे छोड़ देती हूँ, पड़े पड़े बहुत ज़्यादा पानी पानी कर रही थी ना। अब मैडम को समझ में आएगा, जब 3-4 घंटे बिना पानी की रहेगी ना, तब समझ में आएगा कि पानी पक्षियों को पिलाना कि खुद पीना है। पक्षियों को पानी पिलाना सही बात है, पर इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ, इंसान को पीने के लिए पानी कम पड़ रहे हैं, तो ये पक्षियाँ और मिट्टी को पानी दे रही है, तो क्या ये सही में अकलमंदी की बात है? तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते, बाय बाय।